सब्सक्राइब करें सुगम विष्णु चैनल को और बजाइए इस घंटे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, फोटोशॉप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप अगर कोई सी भी विंडो चला रहे हैं, विंडो 7 या कोई सी भी, आपके में पेंट ज़रूर होगा। स्टार्ट पर जाइएगा, अगर आपको यहाँ पर पेंट नहीं दिखे तो यहाँ पर सर्च पर आप सर्च कर लीजिएगा, पेंट आपका आ जाएगा और उसे ओपन कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका पेंट खुल चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिसाइज पर जाइएगा। रिसाइज पर इसलिए जाइएगा क्योंकि दोस्तों एक थंबनेल का साइज़ होता है, वो सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पिक्सल पर क्लिक करिए। इसके बाद दोस्तों ये जो टिक आ रहा है इसे हटा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर 640 हॉरिजॉन्टल में मैंने पहले से ही सेट कर रखा है क्योंकि मैं बनाते रहता हूँ उस पर। हॉरिजॉन्टल 640 640 और वर्टिकल रखना है आपको 360 360, और ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको बाल्टी के बराबर में ये ए दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है पूरे एरिया को। इसके बाद दोस्तों हमारा ये सेलेक्ट भी हो चुका है एरिया। अगर आपको इंग्लिश में थंबनेल बनाने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर जो भी आप लिखना चाहें थंबनेल के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो अपना ब्राउज़र ओपन करिए और यहाँ पर डालिए ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग, ऑनलाइन हिंदी टाइपिंग डालिए। फिर दोस्तों आपका ये खुल जाएगा, इस पर पहले वाले पे ही आपको क्लिक करना है, हिंदी टाइपिंग पे। दोस्तों आपके सामने एक ये ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, फिर जो भी आप अपने थंबनेल में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ YouTube और स्पेस दे दीजिए। दोस्तों जब आप स्पेस देंगे तो आपका अपने आप हिंदी में हो जाएगा, YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों हमारा ये हिंदी में हो चुका है, YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। अब दोस्तों इसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसे कट कर दीजिए और यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों आपको वापस ही उसी पेज पर जाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। आपका जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। जैसे आप बाल्टी पर क्लिक करिए, वैसे इसका नाम है फिल कलर, मैं इसे बाल्टी कहता हूँ। बाल्टी पर क्लिक करिए और जो भी आपका मनपसंद वो कलर है आप उसे चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने येलो ले लिया है। फिर एडिट कलर पर जाइए, इसे थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपका हल्का कलर रहेगा तो आपके वर्ड अच्छे दिखेंगे। ये हमने ले लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने जो वहाँ पर कट करा था वो यहाँ एक बार इसे ए को लेके इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर उसे लेफ्ट बटन दबाकर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ आ रहा है देखिए एक लाइन, इसे ऐसे पकड़िए और ब्लैक कर दीजिए। अब यूट्यूब समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों हिंदी में, तो हम इसे इंग्लिश में कर देते हैं। मैंने ये इंग्लिश में कर दिया है और चैनल भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इसे भी इंग्लिश में कर दिया है। अब देखिए यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं। अब देखिए दोस्तों क्या क्या जादू होते हैं। अब यूट्यूब जैसे लिखा रहा है, अगर आपको इसका कुछ और कलर करना है तो इसे पूरे को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपका मनपसंद जो भी कलर है, यहाँ रेड ले लिया है मैंने, यहाँ पर को आप ये ले लेते हैं हम, और चैनल को मैंने ये ले लिया है और कैसे को मैंने ये वाला ले लिया है, कैसे बनाए को मैंने ब्राउन ले लिया है। YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। अब दोस्तों ये चैनल थोड़ा हल्का दिख रहा है तो ये मैंने इस पर इसे सेलेक्ट किया, एडिट कलर पर गए और थोड़ा इसे नीचे कर दिया डार्क और ओके पर क्लिक कर दिया। थोड़ा कोई और कलर ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, अब अच्छा लग रहा है।
अब थोड़ा सही दिख रहा है दोस्तों, YouTube पर चैनल कैसे बनाएं। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हमें बहुत सारे यहाँ पे टूल दे रखे हैं, आप यहाँ पे इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसे पूरे को सेलेक्ट करिए, यहाँ जाइए, टेक्स्ट पर गए हम, यहाँ पर टेक्स्ट पे हैं, यहाँ पे गए, ये देखिए कितने सारे हैं, कोई से भी ले सकते हैं आपको जो पसंद है। मैं ज़्यादातर दोस्तों फ्रैंकलिन यूज़ करता हूँ, ये वाला ले लीजिए, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं। अब कैसा लग रहा है दोस्तों, बढ़िया लग रहा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका साइज़ भी है, तो इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 48 पे है, 72 कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं, जो आप चाहें, 48 पर ही रहने देता हूँ मैं। अब यहाँ होम पर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टूल दिए गए हैं आपको, स्टार्स, ये कुछ भी लगा सकते हैं आप, ये अच्छा नहीं लगा तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं, ये जो है बहुत सारे दोस्तों दिए गए हैं आपको, कुछ भी ले लीजिए, मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पर, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ फिट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कलर इसका रेड करना है तो यहाँ बाल्टी पर क्लिक करिए, रेड ले लीजिए, और यहाँ, और ये अब ये लाइन जो आ रही है आपकी वही कलर की आ रही है, तो इस पर भी एक बार क्लिक कर दीजिए, अब ये पूरा रेड हो चुका है। अब दोस्तों हमें लगानी है फ़ोटो, फ़ोटो लगानी है तो हमें ये हम ले लेते हैं, अभी ये एरो ले लेते हैं, बहुत सारे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ये ले लेते हैं, और फिर बाल्टी ले लेते हैं एक, और रेड कलर ले लेते हैं, और इस पर कलर कर देते हैं। अब दोस्तों हमें लगानी है फ़ोटो, अब दोस्तों हमें फ़ोटो लगानी है, तो फ़ोटो के लिए हमें इसे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और ये फ़ोटो पड़ी है मेरी डेस्कटॉप पर, इसे लेफ़्ट बटन दबा के ओपन विद पेंट में खोल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको रिसाइज पर जाना है, जैसे मैंने पहले बताया था, पिक्सल पर जाना है, टिक हटा देना है, और इसे कर देना है हॉरिजॉन्टल को 640, और वर्टिकल को कर देना है 360, और ओके पर क्लिक, सेलेक्ट करना है पूरा एरिया, उसके बाद इसे कट कर देना है, वापस उस पर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन एक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, और आप अपने हिसाब से इसे छोटा कर लीजिए, इसे छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद आप इसे जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं आराम से, यहाँ लगा देते हैं इसे। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बात बता दूं, एक बड़ी, इतना एरिया आप कम से कम छोड़ के रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपने फिट अगर कर दी पिक्चर, तो दोस्तों अगर आपका वीडियो का यहाँ पर टाइम आता है, आपकी वीडियो के ऊपर, आपकी पिक्चर के ऊपर टाइम आ जाएगा, तो साफ से आपके व्यूअर्स देख नहीं पाएंगे पिक्चर को, तो इतना एरिया कम से कम आप छोड़ के रखना। दोस्तों अब हमारा ये थंबनेल एकदम तैयार हो चुका है, बढ़िया। अब दोस्तों हमें सेव करना है, तो हमें कोने पर जाना है और सेव एस पर क्लिक करना है, इसके बाद आप जो भी फाइल नेम देना चाहें दे देंगे, ए नाम दे दिया है मैंने, और इसे सेव कर दिया है, इसे दोस्तों आपका सेव हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं ये सेव हुआ है या नहीं, तो हम सेव पर चले जाते हैं एक बार, हमारा देखिए दोस्तों ए आ गया है, इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। अब ये दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, बढ़िया। आप दोस्तों सीख ही गए होंगे कि YouTube का थंबनेल कैसे बनाते हैं, और बहुत ही इजी वे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगली वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी, आपका दिन शुभ रहे।